लोग बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए, बैठ बस 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 किसकी किस्मत में आता है यहाँ पे लीजिए। हेलो हेलो, अब ये किसकी किस्मत में आता है? ये यहाँ पर सभी पेरेंट्स लोग आए हैं। मुझे एक बात समझ में आई है कि हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ाया जाए। मैं सिर्फ यही कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छे स्कूल्स का कैसा दे सके। मैं खासदार बना हूं तो मेरी पहली मीटिंग जो मैंने दिल्ली के अंदर लिया था, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को यह कहा था कि औरंगाबाद एक ऐसा सेंटर है जहां पर बहुत सारे मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर सिर्फ एक केंद्रीय विद्यालय नहीं चलेगा, आप एक और केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद को अलॉट करिएगा, सैंक्शन करिएगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मुझे मालूम है कि यहाँ पर आने वाले बहुत सारे लोग नाराज होकर जाएंगे, मायूस होकर जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम मैं रख नहीं सकता था। मेरे खुद के, मेरे जो पार्टी के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, औरंगाबाद शहर के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स है, उन लोगों ने अपने अपने रिकमेंडेशन मुझे भेजे हैं। आपको हैरानी होगी कि अभी मैं यहां से निकल रहा था तो दो आमदारों के मुझे फोन आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमारा एक कैंडिडेट है, उसकी चिट्ठी कम से कम उठा दीजिएगा। मैं बोला आप कोई भी रहे, चिट्ठी उठेंगी तो इन बच्चों के हाथों से ही उठेगी और जिसकी किस्मत में आएगा वो अब अपना अपना नसीब है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहूंगा कि जो लोगों को मिलेगा उनको तो मैं मुबारकबाद देता हूं, लेकिन जो नहीं मिलेगा वो हिम्मत नहीं हारे, कोशिश करते रहे और आगे चलकर दूसरी जगह के ऊपर किसी दूसरे स्कूल के अंदर, ये है ये केंद्रीय विद्यालय के अंदर इसलिए है तो लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कम पैसे लगते हैं, पैसा बिल्कुल नहीं लगता है, इस तरह का ये है। और आज के हालात को देखते हुए सिर्फ मैं आपको ये चिट्ठियां उठाने से पहले एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं, चूंकि आप लोगों ने मुझे इस शहर का, इस जिले का खासदार बनाकर भेजा है, मेरे पास अभी 4 साल बचे हुए हैं। इन 4 सालों के अंदर जो 2 काम मैं मेरी प्राथमिकता समझकर, मैं 4 साल लगातार जिन 2 कामों के ऊपर मेहनत करूंगा वो है कि यहाँ के अस्पतालों को बढ़िया से बढ़िया अस्पताल बनाया जाए और दूसरा औरंगाबाद को हम किस तरह से एक अच्छा एजुकेशन सेंटर बना सके ताकि यहाँ के जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नौकरियों के लिए इन्हें पुणे जाना पड़ रहा, मुंबई जाना पड़ रहा है या दूसरे बड़े शहरों के अंदर जाना पड़ रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे 4 साल के इस दौर के अंदर
इतने कॉलेजेस और इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हम यहाँ पर शुरू करेंगे कि आपका बच्चा पढ़ाई के बाद भी आप ही के साथ में रहेगा और यहीं पर नौकरी करेगा। हम इतने इंडस्ट्रीज यहाँ पर लेकर आएंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए, बस यही है। मैं आप लोगों के साथ आए हुए जो छोटे बच्चे, उन बच्चों को मैं बुलाना चाहूंगा ताकि उन्हीं बच्चों के हाथों से कल किसी ने ये ना कहे कि ये चिट्ठी किसने उठाया था, कैसे उठाया था। आपके साथ जो भी बच्चा आया है वो बच्चे यहाँ पर आए और वो लोग ये चिट्ठियां उठाएंगे। ये चिट्ठियों के ऊपर सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं और वो नंबर्स की लिस्ट यहाँ पर है। वो लिस्ट के हिसाब से मैं जैसे ही नंबर पढ़ूंगा वो लिस्ट आप लोग अपने पास में से, अगर कोई यहाँ पर महिला है वो लिस्ट अपने हाथ में रखे और वो डिक्लेयर करे। आइए कोई एक मैडम आप इधर आ जाइए, कोई एक मैडम इधर आइए। मैडम का है आप इधर आइए। मैं आपको नंबर, ये बच्चा जो भी नंबर आपको करेगा उसमें आपने सिर्फ नाम आपको अनाउंस करना है। एक कौन सा नंबर का लवण्या, लवण्या कुछ है रातों कौन सा चल एक चिट्ठी का नंबर 29 हर्षवर्धन संतोष अयान मोहम्मद रियाज मैडम आराम से पढ़िएगा, लोगों के दिलों के धड़कने बढ़ जा रही है। ये 29 नंबर का है, अयान मोहम्मद इलियास कुरैशी है। अयान मोहम्मद इलियास आप आइए, चलिए बेटा आप जाके बैठिए। नंबर 19 आराध्य वाल्मीक कामले आराध्य वाल्मीक कामले। ये जिन जिन के नाम पुकारे जा रहे हैं और अगर यहाँ पर नहीं है, हमने लोगों से ये कहा था कि चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, हम ज्यादा लोगों को यहाँ पर अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, तो इसका थेट प्रक्षेपण लाइव टेलीकास्ट जो है वो फेसबुक पेज के ऊपर भी चल रहा है। तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने घरों के अंदर बैठ के भी इसको फॉलो कर रहे हैं। आपका नाम अरमान खोली ने दो चिट्ठियां निकल गए हैं, तीन निकाल लिए हैं, एक वापस से डाल दिया, एक ही निकाल। वन फोर्टी सिक्स आरोही बाबा साहेब त्रिभुवन, आरोही बाबा साहेब त्रिभुवन। आरोही बाबा साहेब त्रिभुवन से कोई आ गया है? अगर है तो हाथ उठा ले प्लीज। नहीं, चल चल। आपका नाम क्या है? अद्वैत कुठे रहते हो? ग्रीन वाटर स्वतः साठी आ रही है। वन
163 जफीरा फिरदौस रईस। उसके ऊपर आप सिर्फ टिक कर दीजिएगा। चलिए कोई है? सब ये छह है क्या नौ है जरा बता दीजिएगा उसमें जिसकी किस्मत है। मैं सिक्स है सर। सिक्स है नंबर सिक्स। अनम बाबर शेर। एक 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 चिट्ठी। नंबर 53। नंबर 53 सम्यक दीपक पहलवान। सम्यक दीपक पहलवान। पहलवान भी नहीं आए। सम्यक दीपक पहलवान आप उठाइए। हो गया नंबर 59। नंबर 59 रितेश नंद किशोर बागुल। तालियां बजाओ अपने साथी। काय करतो रितेश भाऊ? नहीं आपला नाव रितेश नहीं इकडे। मेरा नाम नंद किशोर बागुल है, मेरा बेटा है सर। अच्छा आप क्या करते हैं? सर मैं आटा चक्की चलाता हूँ और आपकी वजह से मेरे बेटे का अच्छे स्कूल में आटा चक्की। भाई इनके लिए तालियां बजा दीजिएगा। आटा चक्की ये चलाते हैं और मुझे खुशी है कि एक जेन्युइन आदमी के लिए जो बहुत जरूरतमंद है उनको अगर ये जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि आज हमने मेहनत किए है इसके लिए ये हमारा पूरी मेहनत आज सफल हो गई। हो गया चलिए आप आइए। नंबर 23 मैडम आपका फोन बंद कर दीजिएगा आज इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं। वैभव नंबर 23 वैभवी मनुषा मंजुषा हालगे। वैभवी मंजुषा हालगे। वैभवी मंजुषा हालगे नहीं है। दीदी आप आइए। दीदी आप आइए। ले लीजिए नंबर 84। नंबर 84 नंबर 84 श्रुति का सुहास पाटिल। श्रुति का सुहास पाटिल नहीं है। नंबर 73
नंबर 73 मुजम्मिल जिक्रे, मुजम्मिल जिक्रे नहीं है, नंबर 6, 163, 7, 146, 8, 29, 9 और 19, 10। तो ये 10 लोग थे, इनमें से बहुत सारे लोग आए नहीं हैं। अब इसमें हमने सिर्फ 2 दिन का, और अगर जो 2-4 अगर रह जाएंगे, जो अगर रजिस्टर नहीं करेंगे यहाँ पर, तो वो चिट्ठियां दोबारा यहाँ पर उठाई जाएगी और आपको पर्सनली कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बोला तुम कसका वाटलं तुम्हाला? नंदकिशोर बागुल, नंदकिशोर देवप्रसाद बागुल। मी हिंदुस्थान आवासला आटा चक्की ऑपरेट करतो, आटा चक्की चालवतो। माझ्या मुलाची फीस मी अफोर्ड करू शकत नाही म्हणून केंद्रीय महाविद्यालयामध्ये मी प्रयत्न केला होता आणि आज कसा साहेबाच्या प्राधान्याने लकेटवाच्या माध्यमातून जो नंबर लागण्यात आलेला आहे, इंटरव्ह्यूले साहेबांचा खूप आभार मानतो आणि त्यांच्यामुळेच माझा मुलगा शिकू शकला आणि पुढे जाऊ शकला। बहुत सारे पेरेंट्स जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन एक खासदार को सिर्फ 10 एडमिशन्स कराने का पावर होता है, यानी कि 10 लोगों के ही कूपन्स केंद्र सरकार उन्हें भेजती है, उसमें से आप जिस किसी को चाहे वो एडमिशन करा सकते हैं, जिस किसी को चाहे आप वो एडमिशन करा सकते हैं। एक सवाल ये है कि बहुत गरीब के लोग जो होते हैं वो ये समझते हैं कि चलिए भाई मैंने है तो दिया हुआ, मेरा एडमिशन हो जाएगा करके। अब वो एडमिशन कैसा होना चाहिए, या तो हमने अपने रिकमेंडेशन खुद अपना तय करना कि ये मेरे करीब का है, ये मेरे करीब का है, ये मेरे करीब का है, और उसको हमने अलॉट कर देना, या हर पेरेंट जो ज़रूरतमंद है, जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसका ख्याल रखते हुए हमने ये तय किया था कि हम जितने भी रजिस्ट्रेशन आएंगे, मेरे हिसाब से तकरीबन 170 लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था हमारे पास सिर्फ महज 10 सीटों के लिए, तो वो 170 सीटों को हमने है तो चिट्ठियां बनाई और सभी बच्चों के जरिए ही ये पूरे चिट्ठियां उठा के 10 के 10 इनके सामने ही हमने कराए हैं, ताकि इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी रहे और पेरेंट्स को भी ऐसा ना लगे कि मैंने दिया था मेरा नहीं हुआ, इसका हो गया, उसका हो गया है। तो इनके सामने ही सभी चिट्ठियां लाई गई हैं, इनके सामने ही ये पूरा प्रोसीजर एक ट्रांसपेरेंसी के जरिए किया गया। सर एक सवाल ये है कि जैसे एक साल में 10 टोकन मिलते हैं, तो आपको नहीं लगता सर कि ये बढ़ना चाहिए? देखिए, मैं खुद अपने लेवल के ऊपर ये कोशिश कर रहा हूँ कि औरंगाबाद के अंदर चूंकि आर्मी का एक बड़ा बेस है और पहली प्राथमिकता जो होती है वो डिफेंस के बच्चों को दी जाती ही है, सिविलियंस का बहुत कम कोटा होता है। अब इतने बड़े ज़िले के अंदर आप सिर्फ अगर 10 बच्चों को अगर अपना सिविलियन कोटे के अंदर से देते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जो ख्वाहिशें होती है वहाँ पे पढ़ाने की, वो पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए मैंने केंद्र सरकार को लिखित के अंदर दिया हूँ कि औरंगाबाद को एक और केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन किया जाए, और उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँ। मैंने ऑलरेडी तो राज्य सरकार की मीटिंग के अंदर ये बात क्लियर की
कि बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस का ये मसला आ रहा है कि जो चार महीने स्कूल नहीं थे, बसेस नहीं चल रही थी, वहाँ पे दूसरे उनके पे एक्टिविटीज नहीं चल रही थी, उसके बावजूद भी जो बच्चों से फीस मांगी जा रही है, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी है क्योंकि अभी हर कोई परेशान है, तो उसमें क्या रियायत देनी चाहिए? इस बारे में सरकार ने कहा कि हम विचार करके इसके ऊपर फैसला करेंगे, अब वो फैसला का इंतजार हमको भी है कि वो क्या रियायत स्कूल को भी तकलीफ ना हो और पेरेंट्स को भी तकलीफ ना हो। अरे नंबर